Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School, GGC. Welcome to Icon Math, day 85, exercise 13.1 और page number 208. Page number है हमारा 208, exercise है 13.1 और day है हमारा 85. तो guys, हमारा question number 3 है आज. In question 2, यानी कि आपका जो दो question था, Above, जो ऊपर आपके इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 आया, इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ वैक्स, तो हाउ मच रेड पिगमेंट बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ वैक्स. तो ध्यान रखिए, यहां से हमको सॉल्यूशन करना है गाइस. सॉल्यूशन में हमने के एक तरफ क्या लिखना है, ए रेड पिगमेंट्स, रेड पिगमेंट्स, रेड पिगमेंट्स, रेड पिगमेंट्स. तो ये कह रहा है वन पार्ट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर करता है बेस, 75 ml. 75 ml. How much red pigment should be mixed with 1800 ml? तो 1800 ml को मिक्स करने के लिए हमें कितना red pigment चाहिए? तो हमने मान लिया x, वो x. तो ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्या हुआ गाइस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. कैसे, जैसे वन रेड पिगमेंट्स में 75 ml लगे, तो 1800 ml में कितने रेड पिगमेंट्स हमें मिलाने पड़ेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करेंगे गाइस, 1/x = 75/1800. ये करें. अब हमें क्या करना है गाइस, आप अच्छी तरह जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है. क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. वन को 1800 से करेंगे और x को 75 से. तो वन को 1800 से करेंगे, पहले अपन 75 को x से कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 75 x. एक्स को 75 से करेंगे, 75 x इज इक्वल टू 1 को 1800 से, तो ये आ गया 1800, राइट. अब क्या करेंगे गाइस, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1800/75. अब हमको क्या करना है, 25 से हमको डिवाइड करना है, 25 से 25 बन जाए 25 25 50 और 25 3 75. हमने 25 का इसमें डिवाइड किया है, 25 का डिवाइड किया, जैसे कि 75 है, इसमें हमने किसका डिवाइड किया, 25 का, 25 3 75, तो ये 3 बार कट हुआ. अब इसी तरीके से अपन 1800 में हम किसका देंगे, 25 का डिवाइड करना है. 25 5 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 × 50, ये ट्रू आर बैठेगा, यानी कि 25 का 1800 से हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस हमारा 72, क्या आ जाएगा 72। अब हम इस रफ वर्क को इरेज कर देते हैं यहां से, तो अब हमें x की वैल्यू हमारी क्या आई 72/3। अभी 3 से और कट हो सकता है कि ये हो सकता है, देखो 72 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 क्या बचा 1 और 3 4 जा 12 यानी 24,
क्या हो जाता 20, 3 बन जाता 3 और ये 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई 24, x की वैल्यू क्या आ गई 24। सो द रिक्वायर्ड, इसलिए सो द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट्स, सो द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट्स कितने हैं हमारे 24 आंसर। तो गाइस यार कुछ नहीं करना, सिंपली इनको हमको रखना है। एक बार पुनः देखिए इन क्वेश्चन टू अबाउ, यानी कि ऊपर वाले दो क्वेश्चन में, इफ द वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को रिक्वायर होती है 75 ml की ऑफ बेस, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द 1800 ml ऑफ बेस, में कितना मिलाया जाना चाहिए। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स, और एक तरफ हमने बेस रखा, वन में हमें 75 ml की आवश्यकता होती है, तो इसी तरीके से 1800 ml में कितना मिला है तो उसको हमने एक्स मान लिया। अब हमने इसको किया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 1/x = 75/1800। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 70x = 1800, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1800/75 से इसको क्रॉस किया, 3 बार गया और 25 का डिवाइड इसमें दिया तो 72 आया, यानी x की वैल्यू 72/3 आई, तो 3 से इसको कट किया तो 24 आया, तो x की वैल्यू होगी 24। सो द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट्स चाहिए हमें 24। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।